नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों आज फिर से आपके लिए टॉपिक लेकर आ गया हूँ। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां पूरी नहीं हुई थी। राजस्थान की प्रमुख जनजाति जो है, तीन टॉपिक तो बन चुके हैं, ये जो है चौथा टॉपिक बनने जा रहा है। दोस्तों जो आपको डिटेल से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक जनजाति का टॉपिक ले लिया तो वो 20 से 30 मिनट का बनता है, पर आपकी जो जीके है उस जनजाति के संदर्भ में वो पूरी है जो क्लियर हो रही है। तो अब तो जैसे चार जनजाति जो रही है अब, और वो है जो छोटी छोटी जनजाति है और कम जनजाति है, उससे जो कम जीके बनेगा वो ही हम पढ़ेंगे। आज है जो दो से तीन जनजातियां पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा पूरा बिना स्किप किए हुए देखना ताकि आपको आज की जीके, आज की वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जो अब बात करेंगे वो जो जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। दोस्तों कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। अब ये जनजाति कहां पर निवास करती है मुख्यतः? तो दोस्तों आपको याद रखना शाहबाद, कहां पर? शाहबादगढ़। जो शाहबाद है ये कहां पर है? ये बारा के अंदर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है शाहबाद पहली और दूसरी है जो कौन सी है, वो है किशनगंज। ये कहां पर है? ये जो स्थान है ये कहां पर है? ये बारा के अंदर है। ये बारा की तहसीलें हैं, बारा जिले की शाहबाद और किशनगंज बारा की तहसीलें हैं। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पर इस दोनों तहसीलों के अंदर 99.20% है जो यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन? सहरिया जनजाति निवास करती है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, 99.20 सहरिया जनजाति, इतने प्रतिशत सहरिया जनजाति इस दोनों तहसीलों के अंदर निवास करती है। अर्थात यहाँ पर है जो ये तहसीलें अलग से सहरिया जनजाति के लिए ही जानी जाती है। सहरिया शब्द जो नाम पड़ा है ये शहर नामक नाम फारसी शब्द से पड़ा, किससे पड़ा? फारसी शब्द से पड़ा। और इस जनजाति के बारे में जो कर्नल जेम्स टॉड ने बताया कि ये भील जनजाति की शाखा है। क्या है? भील जनजाति की शाखा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना कि कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा है कि ये जनजाति जो है ये भील जनजाति की शाखा है, सहरिया जनजाति है। अर्थात अब बात कर देते हैं इनके जो जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, गांव को क्या कहते हैं, घरों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों घरों को कहते हैं टापरी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना आपको सहरिया जनजाति के घरों को टापरी कहते हैं। अर्थात गांव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गांव को सहरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव को सहरोल कहते हैं। अच्छा इनके जो मुखिया होते हैं गांव के, जो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं जो घरों की बस्ती होती है उसे क्या कहा जाता है, घरों की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है? सहराना याद रखना है आपको, सहराना। घरों की बस्ती को, बड़ी बस्ती हो गई, घर हो गए, घरों को टापरी कहते हैं, उससे ज्यादा बस्ती को कहते हैं सहराना। गांव को कहते हैं सहरोल और मुखिया को कहते हैं कोतवाल। तो दोस्तों ये है जो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर शॉर्ट जो जानकारी और जो है वो आपको बता दूं इसी के अंदर आप लिख ले। ये इनके जो देवता है उपासक ये है वो किसके है? दोस्तों ये काली दुर्गा के उपासक है। किसके है? काली दुर्गा के उपासक। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, याद रखना है आपको। सहरिया जनजाति जो है वो काली दुर्गा की उपासक है।
शहर या जनजाति जो है वो काली दुर्गा की उपासक है, और इनकी जो कुल देवी है वो कौन है? तो दोस्तों कुल देवी जो है वो कौन है? कुल देवी है, कौन है? कुल देवी कोडिया माता है। कोडिया माता है जो नाम से, जो देवी है वो इनकी कुल देवी है, वो इनकी कुल देवी है, कौन है? कोडिया माता। अब जो तेजा जी है वो इनकी क्या है? तेजा जी को ये क्या मानते हैं? तेजा जी को ये लोकप्रिय देवता मानते हैं, लोकप्रिय जो तेजा जी है वो इनके इस जनजाति के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। अच्छा दोस्तों यहां तक आप इसे है जो नोट कर ले। अब बात कर लेते हैं सीताबाड़ी जो है वो क्या है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, जैसे सीताबाड़ी को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और यहां पर है जो सबसे बड़ा मेला भरता है, और कब भरा जाता है? वैसाखी पूर्णिमा को भरा जाता है, वैसाखी पूर्णिमा को मेला भरा जाता है, मेला भरा जाता है। और ये सीताबाड़ी कहां पर है? तो दोस्तों आपको याद रखना है बारा के अंदर है। और सहरिया जनजाति का या इस जनजाति का कुंभ माना जाता है, जिसे कुंभ कहते हैं। सीताबाड़ी का मेला वैसाखी पूर्णिमा को भरा जाता है। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं, ये भी आप नोट कर ले रहे हैं। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को आदि गुरु मानते हैं, आदि गुरु मानते हैं। तो दोस्तों यहां तक है, अब आप इसे नोट कर ले, बोर्ड पूरा भर चुका है। तो दोस्तों यहां तक लिख ले रहे, या फिर आप वीडियो को होल्ड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जो पॉइंट्स है और जो पॉइंट्स है वो भी बता देते हैं, जो शहर या जनजाति के संदर्भ में है, इनके जो विवरण में है, जीके विवरण के अंदर है। दोस्तों जो भी वीडियो है मीणा जनजाति, बेल जनजाति, वो सबकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो है जो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो वो वीडियो देखने के बाद ही है जो ये वीडियो आप पूरा पूरा देखें, ताकि वो वीडियो आपको समझ में आ सके, वो जीके भी आपको समझ सके आप आसानी से। अच्छा दोस्तों ये एक और चीज आपको बता दूं, जो भील जनजाति अपने पास में क्या रखते हैं? धनुष रखते हैं। उसी प्रकार ये पुरुष है जो अपने आप के पास क्या रखते हैं? ये आप खुद के पास है जो कुल्हाड़ी रखते हैं। क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी रखते हैं। और दोस्तों इनकी जो संस्था है, जो मामूनी की संकल्प संस्था है, मामूनी संकल्प संस्था, मामूनी संकल्प संस्था जो इनके कार्यकलापों पर लगी हुई है, इनके है जो क्या निवास के लिए कार्य कर रही है, सहरिया जनजाति निवास के लिए ये जो संस्था है ये कार्य कर रही है। अच्छा दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आदिम जनजाति है उस जनजाति के ये जो संदर्भ में, उस जनजाति के अंदर है जो अंतर्गत से रखा गया है, आदिम जनजाति के अंतर्गत रखा गया, ये है जो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहां तक है जो सहरिया जनजाति अपनी हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं किस जनजाति के बारे में, अब बात करेंगे डामोर जनजाति के बारे में। ठीक है दोस्तों, डामोर जनजाति है, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, वो कहां की जनजाति है, वहां पर ये जो जनजाति है कहां अधिक रूप में निवास करती है। दोस्तों जो डामोर जनजाति है ये है जो, इसका जो मुख्य जो स्थान है वो कहां से है? दोस्तों ये मुख्य जो स्थान है इसका गुजरात से, कहां से है? गुजरात राज्य से है इसका मुख्य स्थान, और ये गुजरात से राजस्थान में आए हैं। और ये राजस्थान में कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर कहां पर है? सीमलवाड़ा में है,
और ये सीमलवाड़ा है। ये दोस्तों क्या है? सीमलवाड़ा तहसील है और ये जो तहसील है ये कहां पर है? ये डूंगरपुर जिले के अंदर है, याद आपको रखना है। सीमलवाड़ा तहसील के अंदर है और ये जो डूंगरपुर में है। और दोस्तों ये जो है तहसील में बहुतायत रूप में है और राज्य के 70.8% है जो डामोर है जो यहाँ पर रहते हैं दोस्तों, ज्यादा है जो ये, इसके कारण है सीमलवाड़ा है जो क्या कहलाया है, यहाँ का क्षेत्र क्या कहलाया है, यहाँ का क्षेत्र डामर या क्षेत्र भी कहलाया है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर है जो कितनी 70% है जो आबादी सिर्फ है जो किसकी है, इस जनजाति की है। इस जनजाति की आबादी 70.80% है जो यहाँ पर निवास करती है। और दोस्तों यहाँ पर है जो थोड़ी सी आपको जानकारी बता देता हूं, ये जो बोलते हैं ये गुजराती भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं ये जनजाति? ये जो जनजाति है ये गुजराती भाषा बोलती है। गुजराती भाषा का उपयोग यहाँ पर इस जनजाति में किया जाता है। और ये जो इनकी जो स्थानीय जो भाषा अब हो गई है वो क्या हो गई है? वो हो गई है वागड़ी भाषा। भाषा है जो स्थानीय भाषा हो गई है, ये आपको यहां तक है जो याद रखना है। ये दोस्तों तो यहां पर तक आप याद रखें। इस जनजाति में जो गुप्त विवाह है जो निषेध है और गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, गांव की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है इसमें फलाना। फलाना जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है गांव की। अच्छा दोस्तों इसके बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो मुख्य मेले होते हैं इनके, जेला बाबू जी का मेला है जो मुख्य मेला है। जेला बाबू जी का मुख्य मेला जो भरता है ये इनका मुख्य मेला है। डामोर जनजाति का जो मुख्य मेला है वो जेला बाबू जी का मेला है और गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है। ये कहां पर लगता है ये बात कर लेते हैं। गुजरात के पंचमहल जिले में, ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लिख लीजिए। डामोर जनजाति की जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। और दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंजर सांची और कथोड़ी जनजाति के बारे में। ये थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी होगी। ये जो आज हमने क्या पढ़ा, आज डामोर और सहरिया जनजाति। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस पोस्ट को, इस वीडियो को। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।